आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं आपका मित्र शोक का इलंगवन। अपनी ज़िंदगी में बहुत लोग हमारे पास बहुत सी काबिलियत है, पर एक मौका नहीं मिला ऐसे कहने वाले बहुत से लोग हैं। और एक तरफ अंदर बहुत काबिलियत है या नहीं अनजान हुए अपने आप को कोसने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। ऐसे लोगों के लिए अगर विश्वास भरा रास्ता मिले तो ज़िंदगी में सफल हो सकते हैं। ऐसी ही परिस्थिति में हमारे जानकारी में एक शख्स आए, ये ही हमारे आज के मेहमान हैं। ये शख्स अपने ज़िंदगी में सबसे कठिनाई की घड़ी में 7 लाख की उधारी और एक तरफा टिकट लिए चेन्नई पहुँचे थे, लेकिन आज इस शख्स को देखेगी पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता के घर के पास इनका खुद का घर है। इसके अलावा अपने साथ साथ बहुत लोगों को सफल बनाया है। ये भारत के पूर्व वेलनेस कोच में से एक हैं, श्री रविसुंदरम जी। ये ही हमारे आज के खास मेहमान हैं। सर नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। सर कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ। ओके सर, मैं बहुत जगह पे देखा है फिटनेस कोच बोलते हैं या स्पोर्ट्स कोच बोलते हैं, ये क्या नया नाम है वेलनेस कोच? ये नाम ही नया है, ये वेलनेस कोच का मतलब क्या है? वेलनेस कोच का मतलब आज की जो सिचुएशन में एक डॉक्टर विजिट के बगैर, हॉस्पिटल विजिट के बगैर एक अच्छी हेल्थी लाइफस्टाइल लीड करने के लिए हमको एग्जैक्टली क्या करना है, लर्न करके प्रैक्टिस करना और वो टीच करना। दवाई खाना, खाना ही दवा बोलते हैं ना, तो कुछ चीज़ें जो हैं हम अगर करेंगे तो हम और हमारी फैमिली के जितने भी मेम्बर्स हैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लाइफ एक हेल्थी लाइफ लीड कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट सबसे ईटिंग हैबिट्स, उसके बाद हेल्थी एक्टिव लाइफस्टाइल है, और उसके बाद अच्छी नींद लेना, तो ये सब रहा तो एक हेल्थी लाइफ जो है हम जा सकते हैं। सब चीज इम्पोर्टेंट है, आपने जो बोला वो सब भी इम्पोर्टेंट है। अभी लेकिन आप आगे बनाया कि नींद बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत लोग क्या बोलते हैं कि नींद नहीं लेंगे, नींद को खोए तो ही लाइफ में सफल हो सकते हैं, लेकिन आप बोलते हैं कि नींद बहुत जरूरी है अपनी जिंदगी में सफल होने के लिए, ये क्या जरूरी है? देखिए, नींद आके बहुत जरूरी है, इसका मतलब ज्यादा भी नहीं रहना और कम भी नहीं रहना। सेकंड, अपने सो रहे हैं अपने को ही नहीं पता चलना चाहिए, नींद आके सोना और उसके बाद नींद फिनिश होके अपने उठ जाना। नींद के जैसा एक जबरदस्त दवाई कोई भी नहीं है, अपने शरीर के अंदर जो भी है अपने आप रिपेयर करता है अपनी नींद। आज बहुत लोग इंडिया में इंसोमेनिया प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, मेंटल जो आप देखते हैं ना, लोग काफी लोग रहते हैं वो लोग कौन है, एक हफ्ते अगर नहीं सोएंगे तो माइंड आके जो है बहुत परेशान हो जाएंगे वो। आज बहुत लोग नींद से परेशान है, नींद बहुत जरूरी है। देखिए बहुत बढ़िया, ये जो है वेलनेस कोच में आप पहले जो है नींद लीजिए, मतलब आज ही जो है आपकी ओके, लेकिन सोना नहीं है, ठीक है। लेकिन आप बात करते वक्त बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं, बहुत चीज जो है आप बताते हैं, कैसे ऐसे रहने वाले हम जो है समझ कैसे समझें कि लाइफ में बहुत सारे जो है कष्टाई के साथ आए हैं, आप ही उसी तरह कठिनाई से आए हैं, लेकिन आप इस जगह पे सिंपल से आ गए। लेकिन नहीं, 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 आप आपने जैसे बताया मुश्किल वक्त में कैसे बताना, मैं ये उससे ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं था, ऐसी एक सिचुएशन से आज इस मैं पोजिशन पर पहुँचा हूँ, वो दोनों में ही था, लेकिन ऐसे मुश्किल देखने का कारण भी मैं ही था और वहाँ से बाहर आया मैं ही। एक पॉइंट पे जो है बस बहुत हो गया ऐसी लाइफ वैसे सोच के, मैं मेरी लाइफ में जो मेरी प्रॉब्लम्स हुई उस सब का मैंने जिम्मेदारी उठाया और वहाँ से बाहर आने के लिए जो करना है वो मैंने सीखा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, मैंने सीखा और वो जब अप्लाई करना स्टार्ट किया तब मेरी लाइफ में इतने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन हुए। ये सब लाइफ में होने की अपॉर्चुनिटी। लेकिन आपकी जिंदगी में ऐसा बहुत सारी प्रॉब्लम जो बहुत खींच सके ऐसी प्रॉब्लम के मर्यादा नहीं रहती है, रेस्पेक्ट नहीं, पैसा जितना है ना उसके हिसाब से अब लोग रेस्पेक्ट देते हैं। पैसा भी नहीं था और अपने प्रॉब्लम में तो गली के जो कुत्ते को जो ट्रीटमेंट देते हैं ना वैसा ही ट्रीटमेंट अपने को देते हैं, वो ही अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को जो है टच करता है। तो उस टाइम पे एक जुनून आया, अपमान जब सहते तब एक आग अंदर आती है, तो वही डर, मेरा 7 लाख उधारी था, सब कुछ जो है इफेक्ट हो गया था, रेस्पेक्ट नहीं थी, ऐसी एक सिचुएशन हो गई थी। मैं उनको मैं कौन हूँ करके मैं प्रूव करने के लिए उस प्रोसेस में जब वो मेरा जुनून आया ना अंदर, वो जो मैं नहीं सीखा हर चीज़ को मैं सीखा। बहुत लोगों को ये नहीं होता है, सब प्रॉब्लम्स में ही घूमते रहते हैं हमेशा,
वो प्रॉब्लम्स में घूमते रहते हैं तो या तो चिंता करेंगे या फिर डरेंगे। मैं इसमें क्या पूछता हूँ पता है आपको, अभी देखिए चिंता करते हैं आपके, आप कोई चिंता है किसी बात की, हेल्थ या रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, आप चिंता करने के कारण आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे क्या, या कर सकते हैं या नहीं कर सकते, दो ही चीजें होंगी। अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं इसके लिए क्यों आप चिंता करना, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सक रहे हैं ठीक है छोड़ दो, तो उसको सोच के क्यों, आप आपको अगर पता चलता है कि उसको सॉल्व कर सकते हैं फिर उसके अंदर उतर के आपको वर्क करना चाहिए। आप आपसे मैं बात कर रहा हूं तो प्रेजेंस में रहना चाहिए, कभी भी चिंता आके पीछे जो हो गया डर आके अपने भविष्य को सोच के डरते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमको कोई सिखाता नहीं है इसके बारे में, स्कूल में कॉलेज में या हमारे पेरेंट्स, लाइफ को रन करने वाली लाइफ एजुकेशन हमको नहीं सिखाता। इसका नतीजा ये सफरिंग है। रियल में मुझे अगर आप देखेंगे तो कैसे आप ऐसे बने मुझे पूछते हैं, मैं क्या बोलता हूँ, तू इतना तकलीफ में, इतना तकलीफ देख रहा है, यहाँ से बाहर आने के लिए आपके अलावा और कोई भी आपकी सहायता नहीं कर सकता। मैं सिखा सकता हूँ प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, मैं सिखाऊंगा, लेकिन आप सीखने के लिए रेडी है क्या, ये जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लेकिन अभी आप बताइए वेलनेस कोच में लाइफ में जिंदगी के लिए आप जो है जिंदगी जी सुपर, यस यस यस, क्योंकि देखिए सब एक अलग अलग उद्देश्य से, मुझे फिट रहना कोई सोचता है और फिट हो जाते हो, लेकिन हाथ में पैसा नहीं है और खुशी नहीं है, तो वो फिटनेस रख के क्या करोगे आप, तो पैसा पैसों को पीछे जाते हो, पैसा है हेल्थ नहीं है और हैप्पी नहीं है, तो इसका मतलब कंप्लीट लाइफ अपने बाकी के दिन बाकी की लाइफ अगर अच्छा जीना है तो हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस अभी करंट कंडीशन में आप जहाँ पे हैं वहाँ से आप इम्प्रूव होने के लिए उसकी जो कोशिशें में आप रहना चाहिए, इस सेकेंड से आपको वो कोशिशें करनी चाहिए। इसके साथ हम मैं जनरली आपको पूछता हूँ आपके वेलनेस कोच में जिंदगी में आगे लेके जाना है, ऐसे पूछते जो है आप शिक्षा देते हैं, वेलनेस कोच जैसा अपने जरूरी है क्या आप लाइफ में जीतने के लिए? नहीं नहीं, वो हम भी कर सकते हैं, अपने भी कर सकते हैं और 100 साल लगेगा, क्योंकि गुरु के बगैर जो भी काम करेंगे वो बेकार हो जाएगा। सीख के आप कुछ भी काम करते, लेकिन सीखे बगैर आप कोई भी काम नहीं कर सकते लाइफ में। सो हमको क्या पता है, आज देखेंगे तो आप 2 साल के पहले आप जो काम कर रहे थे वैसे ही अगर वही काम करते रहेंगे ना, अभी आप 25 साल पीछे चले गए हो, आँख के सामने सब कुछ बदल रहा है। सो बदलती दुनिया में हम आगे रहने हैं तो हमको गाइड करने के लिए या टीच करने के लिए, मेंटरिंग करने के लिए, केयर करने के लिए लोग हमको चाहिए। वो आपको डिसीजन लेना है, ऐसे ही तकलीफ देखना है या इससे बाहर निकलना है। बाहर आना है तो मैं क्या बोलता हूँ पता है, आपको ढूंढना है, आपको क्या चाहिए वो ढूंढिए आप। और एक पॉइंट बोलूँ, आप जो चीज़ ढूंढ रहे हैं ना वो चीज़ आपको ऑलरेडी ढूंढ रही है। आप एक पॉइंट पे वो डिसीजन लेके आपको जो चीज़ अचीव करना चाहते हैं उसको पाने का काम जो है वो आपको स्टार्ट करना है। नहीं तो क्या होगा बताइए, ये एक ही दिन में नहीं होगा, वो मिले तब तक वो कोशिश करती रहनी चाहिए। हमको जो चाहिए सब कुछ मिलेगा। लेकिन आप जो बोल रहे हैं लाइफ में जीतने के लिए अच्छा गुरु चाहिए, लेकिन एक दोस्त की तरह जो गुरु चाहिए, ठीक है ऐसे बता रहे हैं आप, वो आप सेलेक्ट करना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। आपके लाइफ में गलत लोग आना ही नहीं चाहिए। लेकिन अपने समूह में बहुत सारे लोग जो हैं गलत लोग हैं। हाँ, तो उसका कारण क्या है पता है, आपका जो थॉट्स थिंकिंग है वही आप वैसे लोग आपको अट्रैक्ट करते हैं। अभी बेकार सही गलत लोग आते हैं तो देखिए सब कुछ मिक्स ही रहेगा। आप जो सोचोगे ना, आपकी सोच को बदलोगे ना, अच्छा करोगे ना, एक रॉन्ग पर्सन कभी भी आपके लाइफ में नहीं आएगा। आप वो देखोगे तभी ही आप, आपका अंदर का इंट्यूशन बोलेगा, वो आपको बताएगा कि ये सही है सही नहीं है, ये करेक्ट है करेक्ट नहीं है। सो अपने को क्या करना पता है, सबको भरोसा करना लेकिन नहीं करना, वो भी इस पैंडेमिक के बाद इंसान आके एक बहुत बहुत एक ईमानदार नहीं, लोग बहुत कम बचे हैं, ये गलत बात है। लेकिन अच्छी बात क्या पता है, ये आइडेंटिफाई करना हमको आना चाहिए। इसके लिए तो भगवान हमको अक्ल भी दिया है ना कि क्या करना क्या नहीं करना। ऐसे ही गुरु को सेलेक्ट करना जरूर है। गुरु को कैसे सेलेक्ट करेंगे आप, स्टूडेंट रेडी रहेंगे ना गुरु अपने आप आपको मिलेंगे। ये इसका मतलब क्या पता है, आपको क्या चाहिए वो टीच करने वाले टीचर गुरु वो जो है आपको मिल जाएगा। समझ में आया। लेकिन अभी मुझे फॉर उदाहरण के लिए मुझे बहुत सारी उधारी है, एक 35 प्लस हो गए मेरी एज,
लेकिन इस मैं इस इस, इस इसका रास्ता कैसे निकालूं, एक वेलनेस कोच आ रहा हूं तो मैं आपको क्या दूंगा? नहीं जी, आप कोई कितनी भी उधारी हो उसके बारे में चिंता मत करो, चिंता करने से थोड़ी कम होगा है, उधारी कम नहीं होगी। तो आप क्या बोलते हो पता है, ये शब्द जो बोलते हो ना, शब्दों की जान होती है। देखिए 35 साल हो गए आप बोलते हो, 35 साल ही हुआ है बोलना चाहिए, समझे? तो उधारी वो है आपकी, तो एक आप पैसे को हैंडल करने का मेथड जो है, पैसा पैसा करके उसको पता है, 2000 के नोट को पता चलता है क्या कि वो 2000 नोट का, उसको पता नहीं है, उसको हैंडल करना नहीं आया, हमको स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया और पेरेंट्स भी हमको नहीं सिखाए, हम खुद अपने तरीके से करते हैं, ठीक है? तो सेकंड चीज क्या है, 35 साल हो गया ऐसे मत बोलिए, मैं 35 साल का ही हूँ ऐसे बोलिए। अभी यहाँ से उधारी चुकता करने के लिए आपको क्या करना है, उधारी चुकाना है या महंगाई है, कुछ खरीदना है, तो अपना इनकम कम है, इनकम जो है तो उसके लिए क्या करना है, इनकम को अपने इनकम को इंक्रीज करना है। कैसे इनकम इंक्रीज करोगे, आपका इनकम कैसे इंक्रीज करोगे, ये मुझे नहीं पूछना चाहिए, आप अपने आप से क्वालिटी क्वेश्चन पूछिए। जिस दिन आप अपने आप से क्वालिटी क्वेश्चन पूछेंगे उसका जवाब जो है आपके रास्ते मिलने लग जाएंगे, ये यूनिवर्स ब्रह्मांड जो आपको रास्ते दिखाएगा, ये हमको अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि मेरे लाइफ में ये हुआ है, ये मैं अप्लाई करके ये मेरे साथ हुआ, मैं जिस किसी को भी नेशनली इंटरनेशनली सिखाऊं ये सब लोगों के साथ हुआ है। यूनिवर्स आके ब्लाइंड है, लेकिन आप जो करोगे उसका रिजल्ट जो है ब्रह्मांड आपको दे देगा, यूनिवर्स दे देगा। लेकिन अभी आप, आपके लिए प्रश्न जो है करके एक बहुत सारी बड़ी जगह पे आप बैठे हैं, लेकिन उसी तरह बहुत सारे लोग जो है जो आप बड़ी जगह पे लेके सफल बनाए, आपने बहुत लोगों को सफल बनाए, ठीक है, आप दो तीन चीज बताइए ऐसे लोग। बहुत लोग हैं। मैं देखिए अभी तक एक 35 लाख लोगों को 23 साल में डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके लाइफ में हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस को इम्प्रूव करवा के हेल्प करके गाइड कर रहा हूँ। ये सबको मैं कर सकता हूँ क्या? आपको क्या करना पता है, मैं इस लेवल पे रीच किया हूँ, करेक्ट? इसके पीछे जो 23 साल की मेहनत है वो आपको हिसाब में रखना चाहिए। सेकेंडली आप सीखने का एक वो इंटरेस्ट रहना चाहिए, बर्निंग डिजायर बोलते हैं, वो आपके अंदर रहना चाहिए। वो अगर है और आप सीखोगे ना, मैं बहुत लोगों की लाइफ चेंज होते हुए, एक ऑफिस बॉय आया था लड़का, वो आज एक बहुत अच्छे लेवल पे है, हाई एंड कार रखे हैं, बड़े बड़े घर रखा है, अच्छा इनकम है उनका। सुसाइड करने वाले कंडीशन में एक आदमी 35 लाख रुपए उधारी, वहाँ से बाहर आए हैं, होल फैमिली आज हेल्थी है, वो हैप्पी हैं, वो आके फर्स्ट डरना नहीं कोई भी सिचुएशन से, अपने अभी से लाइफ में ऊपर आ सकते हैं, जीत सकते हैं। वो एजुकेशन, आपकी प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने वाली एजुकेशन जो है हमको सीखनी है। वो कहाँ पे सिखाते हैं, जहाँ पे सिखाते हैं वो पर्सन है ना, वो उस पर्सन को फॉलो करोगे ना 100% होगा, लेकिन इमिडिएटली नहीं होगा, अनटिल हमको जब तक वो ना मिले तब तक कोशिश। मैं आपको जिताने के लिए मैं आके सिखाने के लिए रेडी हूँ। आप सीखने के लिए रेडी हैं क्या, ये इम्पोर्टेंट है। आपके पास वो है तो सीख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ होगा। सिनेमा के जैसे गाना गाते हुए पैसे वाले नहीं बन सकते, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। जिस माइंडसेट से आप आपकी प्रॉब्लम जो क्रिएट हुए उसी माइंडसेट से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो थोड़ा अपने आप को रियल अचीवर को देखिए। बहुत लोग हैं, मैं कुछ भी वेस्ट है करके नहीं बोलता हूँ, लेकिन आपको कौन चाहिए उसके पास आप रहिए, उसके साथ रहिए। लेकिन अभी आपने बताया एक प्रश्न के साथ आए या प्रॉब्लम के साथ, तो आते वक्त आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? वो उनको मैं क्या करता हूँ पता है, मैं आके एक सिस्टमेटिकली रखा हूँ एक 23 साल से। कैसे करता हूँ पता है, लास्ट 2 ईयर से पैंडेमिक के बाद, क्योंकि बहुत लोग ये इंटरव्यू सब देख के मुझे बहुत कॉल आते हैं, मैं उनको क्या करता हूँ एक लाइव सेशन जो है मैं चलाता हूँ। ये आके 3 सेशन 6 आवर्स का रहता है, मैं खुद ही बात करता हूँ, दूसरा साल कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसमें उनकी प्रॉब्लम कोई भी हो, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम से बाहर कैसे आना स्टेप बाय स्टेप जो है मैं वहाँ पे सिखाता हूँ। उसके बाद वो क्या पता है, वहाँ पे मैं जो चीज़ें सिखाता हूँ वो सब मैं प्रैक्टिस करके मेरे साथ हुआ, मैंने सिखाया है,
वैसे कई लोग हैं और वो चीज़ें ही मैं सिखा रहा हूँ। तो वो उनके जो एजुकेशन है बहुत कॉन्फिडेंस देता है वो एजुकेशन, अच्छा लर्निंग भी उनको मिलता है, उसके द्वारा वो जो है वो लाइफ में ऊपर आ सकते हैं। ऐसे आने वाले लोग कई लोग हैं। अभी मेरा मिशन जो है, ये इंटरव्यू भी मैंने एक्सेप्ट करने का कारण, 2030 के अंदर 1 करोड़ फैमिलीज को हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस में इम्प्रूव होना। सेकेंडली, वो जो भी काम कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस करते रहो, उसमें वो पहले जो कर रहे थे उससे भी इम्प्रूव होने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। तो ये मैं कंटिन्यूसली कर रहा हूँ। सो उसका नतीजा अपने लर्न करके जाके प्रैक्टिस कर सकते। लेकिन ये हेल्थ वेल्थ ये सब अगर ठीक किए तो हेल्थ वेल्थ हैपन, तीन चीज देखे तो ही अपने लाइफ में आप सफल हो सकते हैं, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, डेफिनेटली। और सेकेंडली देखिए, सब चीज एक लिमिट नहीं है कोई भी। देखिए, अपने तकलीफ से बाहर आना सोचते हैं, तकलीफ से बाहर आना भी एक लिमिट है, लेकिन उसके बाद उससे भी ऊपर जा सकते हैं अपने। तो उस टाइम पे अपने को क्या करना पता है, अपने यूनिवर्स के जैसे ऑपरेट करना, ब्रह्मांड के जैसे, अपने को जो मिला है वो दूसरों तक पहुंचाना, हेल्प करना चाहिए। अभी मेरा मिशन यही है, कैसे मैं तकलीफ़ से बाहर आने के लिए मैंने जो जो किया वो, मैं तकलीफ़ से बाहर आया, उसके बाद मेरे जैसे जो तकलीफ देख रहे हैं उन लोगों को लाइफ में ऊपर आने के लिए सिखा रहा हूँ। ये सब कर सकते हैं, एक साइकिल की तरह बराबर आप चलते रहें। हाँ, क्योंकि ये आके रिपीटेडली जो है होता जा रहा है, समय उनकी जरूरतें आपकी जो पूरी कर देते हैं। इंटरव्यू भी कोई देख रहा है ना।